मैंगो का सीजन है, मैंगो मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं। और मैंने आपको बोला था कि मैं मैंगो का केक बनाने वाली हूँ, मैंगो केक का वो वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी। और आज मैं मैंगो का केक बना रही हूँ। तो मैंगो, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं चॉकलेट फ्लेवर उसमें ऐड हो सकता है, आप कप केक बना सकते हो, आप चीज़ केक बना सकते हो, मैंगो का चीज़ केक बना सकते हो। आपको कौन सा केक पसंद है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप। और आपको अगर ये केक का डिज़ाइन पसंद आता है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ये पूरा वीडियो देखिए। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो नमस्ते, मैं स्मिता फ्रॉम स्मिता होममेड केक। वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये चैनल मैंने आपके आपके लिए ही बनाया है। जो मुझे नॉलेज है वो आपको भी मिले, इसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और अगर आपको ये चैनल मतलब ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैंगो का स्पॉन्ज बनाया है। ये मैंने प्रीमिक्स से ही बनाया है, जो वेनिला का है प्रीमिक्स, उसी से ही मैंने मैंगो का स्पॉन्ज बनाया है। और इसमें मैंगो का मैंने इसेंस डाला है, अरोमा भी मिलता है, इसेंस भी मिलता है। तो आप मैंगो का इसेंस या अरोमा दोनों भी डाल सकते हो। गाइज, मैं हमेशा बटर पेपर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं टिन को कभी भी डस्टिंग नहीं करती हूँ। अगर बटर पेपर मेरे पास नहीं है तो ही मैं टिन को डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग यानी ऑयल या बटर से बटर लगा के उस पे जो अपना स्कार्च रहता है या जो प्रीमिक्स है वो छिड़क के उसको जो लगाते हैं उसे डस्टिंग कहते हैं। तो वैसा मैं करती नहीं हूँ। और बटर पेपर लगाते समय भी मैं कोई भी टिन को बटर नहीं लगाती या ऑयल भी नहीं लगाती, क्योंकि वो चिपकाने के लिए कोई कोई बटर पेपर या सॉरी ऑयल या बटर लगाता है, लेकिन मैं वैसा नहीं लगाती हूँ। मैं डायरेक्ट बटर पेपर यूज़ करती हूँ और वैसे ही लगाती हूँ। और स्पॉन्ज को आप जितनी अच्छी तरह से सोक करोगे उतना अच्छा आपका केक बनेगा। लेकिन याद रखिए, सोकिंग भी उतनी ही कीजिए जितनी ज़रूरत है। ये मेरी सासू माँ ने नया बॉटल मुझे बना के दिया है, जो उसको बीच में होल है और बाजू बाजू में होल है, वो साइड में हो गए हैं और उसमें बीच में ही होल है। इसके लिए मैं चेक कर रही थी, उसका मुझे आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने मुझे नया बॉटल बना के दिया है। वो हमेशा मतलब उनको अच्छा लगता है जब मैं ऐसा केक बनाती हूँ, तो वो भी बहुत खुश होती है। कुछ मतलब बॉटल बना के दे या कुछ भी हो तो बहुत हेल्प करती है मुझे। ये मैंने मैंगो का पल्प बना के लिया है और मैंगो थोड़ा सा चॉप किया कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा क्रंची लगे ज़्यादा, वो खाते समय थोड़ा सा मैंगो के बाइट्स आ जाएंगे तो और अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने मैंगो का पल्प भी बना के रखा है और मैंगो के क्रंच भी बना के रखे हैं। और इस तरह से मैंने फ्लेवर डाला है। मैंने एक आइसिंग का भी अभी वीडियो बनाया है, जो मैं जल्दी ही डाल दूँगी यूट्यूब पे। और उसमें मैंने आइसिंग नहीं दिखाया है, तो आप ये देख सकते हो, ये इस तरह से आइसिंग करते हैं, इस तरह से फ्लेवर अंदर डालते हैं केक के। चॉकलेट का केक हो या वेनिला का केक हो, आप इस तरह से ही केक में जो भी फ्लेवर आपको डालना है या फ्रूट का हो, कुछ भी हो, तो वो इस तरह से ही अंदर डाला जाता है। ये देखिए, ये पूरा आइसिंग का प्रोसेस ये सेम रहता है, कुछ भी अलग नहीं रहता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। जल्द ही मैं आइसिंग का भी वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको आसानी हो जाएगी केक बनाने में। और अगर आपको और भी आइसिंग के बारे में और भी कुछ सीखना है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं दूसरा भी उसका दूसरा पार्ट भी बना के आपको वीडियो में उसका भी सेंड कर दूँगी। ये मैंने आइसिंग का वीडियो बनाया है, लेकिन अभी सबको कितना पसंद आता है इसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि सबको अच्छे से मतलब मिल जाए, जो नॉलेज मिले। अभी कितना मिलता है कितना नहीं, प्लीज़ आपको अगर नॉलेज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका रिस्पांस से ही मुझे मतलब एक मोटिवेशन मिलता है कि बाबा लोगों को मैं जो कर रही हूँ वो पसंद आ रहा है।
देखिए मैं मैंगो का फ्लेवर कैसे ऐड कर रही हूँ, भर भर के मैं मैंगो डाल रही हूँ ताकि खाने वाला भी खुश हो जाए और उसको मैंगो का केक मतलब बहुत पसंद आए। ऐसा नहीं है कि मैंगो का ही है, अगर आपके पास चॉकलेट फ्लेवर है या मैं कौन सा भी फ्लेवर, फ्रूट फ्लेवर है, जो आप फ्लेवर डाल रहे हो वो अच्छी तरह से डालिए, मतलब सामने वाले को खाने में वो मज़ा आए। ये देखिए किस तरह से ये फ्लेवर ऐसे ऐड करना है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो और अच्छे से वो केक, आप केक के ऊपर केक अच्छे से रख दो। अभी ये तो नॉर्मल है कि मतलब बार बार बताने की चीज़ नहीं है कि अगर स्पॉन्ज के ऊपर स्पॉन्ज रखते हो तो साइड से पहली क्रीम उसको कवर करो ताकि आपका स्पॉन्ज हिलेगा नहीं। ये मैंने मेरे पहले भी वीडियो में बताया है, अभी भी बता रही हूँ। मेरी नई बॉटल ये याद रखिए, जब भी आप स्पॉन्ज में सोक करते हैं तो कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो आपके पास हमेशा टिश्यू पेपर रखिए। देख मेरे पास हमेशा टिश्यू पेपर रहता है, अगर पानी सोकिंग में पानी ज़्यादा हो जाता है स्पॉन्ज में तो टिश्यू पेपर लीजिए, स्पॉन्ज पर हल्के से रखिए और उसे हल्के से टैप कीजिए ताकि जितना भी उसके अंदर जो पानी है, जितना अपन सोक करते समय पानी डाला है, वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो टिश्यू पेपर खींच लेता है, तो आपका मतलब स्पॉन्ज में पानी ज़्यादा नहीं जाएगा डालते समय। तो ये टिप्स हमेशा याद रखिए कि आपके पास टिश्यू पेपर होना ज़रूरी है। और आइसिंग करते समय कभी भी केक को नीचे से स्टार्ट करें आइसिंग करना, ना ही ऊपर से, पहले नीचे से स्टार्ट करो फिर ऊपर से, जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाई इस तरह से कीजिए। ये मेरा पूरा हो गया है केक कवर, अभी मैंने इसको फिनिशिंग भी दी है स्क्रैपर की मदद से। कभी कभी बहुत अच्छा बोल लेती हूँ मैं, कभी कभी बहुत याद करना पड़ता है यार क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, बहुत सोचना भी पड़ता है। जब भी मैं शॉर्ट्स शॉर्ट्स भी बनाती हूँ तभी उसमें भी बहुत सोचना पड़ता है यार कैसे बात करूँ कैसे बोलूँ। अभी तो मुझे देखने वाला तो कोई नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है मैं जो बोल रही हूँ मतलब उनको अच्छा लगेगा या नहीं, मतलब कुछ तो मैं गलत ना बोल दूँ, इसके लिए थोड़ा डर भी लगा रहता है। कभी कभी अच्छा बोल लेती हूँ मैं, अच्छा लगता है, और अभी आदत भी हो गई है। अभी मैंने 3 दिन बाद मैंने आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था 3 दिन बाद डाल रही होती थी, लेकिन सोच रही थी कि बाबा मेरा कुछ तो काम रह गया है, मेरा कुछ तो काम रह गया है, ये रहता है होता है मेरे साथ। देखिए मैंने केक उठा रही हूँ अभी, आप भी आदत करो तो आपको ये इजी हो जाएगा उठाने की आदत। देखिए मैंने किस तरह से उठाया, सेंटर में लेना है और उठाना है। ये मैंने नोज़ल लिया है, ये मतलब दूसरा नोज़ल है जिसको एक अलग नोज़ल है ये। इस तरह से मैं उसको लाइनिंग लाइनिंग दे रही हूँ, सिर्फ खींच रही हूँ, सिर्फ प्रेस करना है और मतलब खींचना है बस। आप भी ऐसा डिज़ाइन बनाओ और मुझे भी कमेंट में या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मिल सकते हो, मतलब दिखाओ। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है स्मिता होममेड केक करके, उस पर आप मैसेज करोगे तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपने बनाया है। गाइज अगर कोई बात मेरी अच्छी नहीं लग रही है, क्या कुछ मतलब गलत हो रहा है या कुछ मतलब जो भी है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताते रहिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं है सही में, क्योंकि हमारे घर में कभी किसी ने ये वीडियो बनाना ये ऐसा कुछ किया नहीं है, ये मैं ही फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ,
तो इतना नॉलेज नहीं है, तो भी अगर आपको जो भी नॉलेज है, अगर आप मैं सही कर रही हूँ तो मुझे कमेंट में बताइए आप सही कर रहे हो, अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो भी मुझे सजेशन दीजिए ताकि मैं वो सजेशन आपके फॉलो कर सकूँ। गाइज मैंने जो अभी नोज़ल लिया है उसी से छोटे छोटे सिर्फ डिज़ाइन निकाली है मैंने, देखिए उससे भी बहुत अच्छी डिज़ाइन निकली है। अब ये मैंने मैंगो चॉप करके रखा था, देखिए इसके ऐसे लंबे लंबे स्लाइस मैंने पतले पतले निकाले जैसे कि वो खड़े हो सके, इस तरह से मैंने वो पतले पतले मतलब स्लाइस निकाल के रखे थे, मतलब चॉप करके रखे थे। मेरे घर में सबको मैंगो पसंद है, आपको कितने लोगों को मैंगो पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि आप लोग मैंगो के शौकीन हो कि नहीं। वैसे तो मैं कोकण की हूँ तो हमारे गांव में तो बहुत हापुस आम मिलते हैं। ये मैंने जो केक का डेकोरेशन किया है ये हापुस मैंगो का है, ये नॉर्मल मैंगो नहीं है, ये हापुस मैंगो है। पहले तो मैंने ये केक जब भी बनाया तो पूरा डेकोरेशन करने के बाद मैंने उसके ऊपर एक पत्ता रखा था पुदीने का, लेकिन बाद में वो मुझे खटकने लगा तो मैंने पहले तो रखा था लेकिन बाद में वो मैंने निकाल के उसके ऊपर एक चेरी रख दी। आप चेरी भी रख सकते हो, स्ट्रॉबेरी रख सकते हो, चॉकलेट केक बना सकते हो मैंगो का, मैंगो का चॉकलेट केक भी बहुत अच्छा लगता है। और आप उस मैंगो का जार केक, कप केक, चॉकलेट मैंगो मूज, बहुत कुछ मैंगो से बन सकता है। आपको क्या सीखना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे मैंगो का कौन सा दूसरा रेसिपी सीखनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वो रेसिपी आपको सिखाऊंगी। अगर वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है प्लीज़ गाइज कमेंट में अच्छा अच्छा लिखिए, मैं बहुत वेट करती हूँ, बहुत मतलब ये करना पड़ता है मुझे। लाइक्स भी बहुत कम आते हैं, व्यूज़ आते हैं ज़्यादा लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं, कमेंट तो कोई करता ही नहीं है, फिर भी एक तसल्ली रहेगी कि यार कोई तो कमेंट करो, एक दो कमेंट आते हैं बस, लेकिन व्यूज़ बहुत सारे आते हैं। वैसे मुझे लाइक्स भी चाहिए, मेरा मोटिव है कि मेरा 100K इस साल हो जाए, तो देखते हैं अभी कितना सपोर्ट आता है, कितने लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे 100K होने के लिए। देखिए मैंने इस तरह से उसका पूरा केक को मैंगो से डेकोरेट किया है, बाद में आपको ऊपर से मैं वीडियो दिख जाएगा। थोड़ा थोड़ा बोलते समय मैं थोड़ा फंबल होती हूँ, हमेशा मैं बोलती हूँ वीडियो में ये बात कि मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखिए कितना आवाज़ आ रहा है गाड़ियों का, मेरा घर ही ऐसी साइड में है कि जहाँ गाड़ियाँ 24 घंटे चलती रहती है और वो आवाज़ रिकॉर्ड भी हो जाता है, कितना करूँ वो मतलब वो आवाज़ म्यूट नहीं हो पाता है क्योंकि वॉइस ओवर करती हूँ तो वो आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाता है। ये देखिए मैंने पहले पत्ता रखा था लेकिन मुझे वो बात मतलब वो थोड़ा सा कमी लग रही थी इसमें, इसके लिए मैंने बाद में वो निकाल दिया और स्ट्रॉबेरी रख दिया। ये देखिए इस तरह से अब देखिए मेरा केक रेडी है, आप भी ऐसे ही मैंगो केक बनाइए और वीडियोस बनाइए, फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे भी आप शेयर करो, नहीं तो फिर कमेंट में बताओ कि हम लोगों ने भी किया है। गाइज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को आगे बढ़ने में मेरी हेल्प भी हो जाएगी, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए मुझे। और आपको और कौन से केक देखने हैं ये मुझे वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरे वीडियो में छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डालती हूँ वो भी आप देख सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम या और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अकाउंट है। और
अगर आपको केक अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप स्वीट ईट विथ स्मिता मिड केक। छोटे छोटे जो पल रहते हैं, जो भी हम छोटे छोटे घर में जो अच्छे अच्छे पल है वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी भी किसी का बर्थडे हो क्या हो, मतलब आजकल तो जो भी छोटे छोटे पल है वो हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो सेलिब्रेट कीजिए, स्वीट खाइए और एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, कीप स्माइलिंग, बाय।